आज के चुनावों की घोषणाओं के बाद ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशी खुलकर वादे कर रही हैं। हमारी संवाददाता ने प्रत्याशियों से बातचीत करी तो हरसूलिया पंचायत के सरपंच पद प्रत्याशी दयाल सैनी ने जनता को विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में पंचायत में सीसी रोड का नालियों का निर्माण करवाया जाएगा एवं जिन लोगों की स्थिति गरीब रेखा के नीचे है उनको बीपीएल कार्ड मुहैया करवाया जाएगा। संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आम आदमी की परेशानियां समझते हैं। अगर ग्रामवासियों ने जीते दिल से जिताती हैं तो आने वाले 5 साल में किसी ग्रामवासियों को सभी परेशानियों से पूरी तरह से पूर्ण निष्ठा के साथ करूंगा। उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको खत्म करने का प्रयास करूंगा। पंचायत के पैसे का सही उपयोग किया जाएगा। लोकल फॉर वोकल पर कार्य किया जाएगा। तेजी से हो रही है। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस बार पंचायती राज के चुनाव है, साथ ही साथ अब आने वाले समय में डायरेक्टरों के चुनाव है, वो भी सरगर्मी बहुत तेजी से चलती आ रही है। आज हम आ पहुंचे हैं इसी चुनावी रण को कवर करने के लिए हरसूलिया ग्राम पंचायत में, जहां पर हम जानेंगे लोगों से कि आखिर कौन कौन से सरपंच प्रत्याशी है, किन किन विकास के मुद्दों को लेकर वो सामने आ रहे हैं और कौन कौन से विकास के मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव के किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव कर रहे हैं? सर, ये सब मैं 8 साल से जनपद सेवा में लगा हूँ और मुद्दे मेरे सामने काफी हैं। विकास के बहुत पीछे है मेरा गांव, असूलिया पंचायत पूरी तरह पीछे है। मैं जैसे गाँव को रोड के लिए जितनी भी रोड अपने गाँव से पूरी आज बिल्कुल खराब है। ये रोड यानी पैदल आदमी नहीं जा सकता। दूसरी समस्या हमारे यहाँ पानी की आती है तो दूसरों पानी अपने यहाँ पर पूरी तरह पंचायत में भी कमी नहीं है। तो उन मुद्दों पर जो उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, दूसरों को काम कर रहा हूँ। मैंने असूलिया में अभी गाँव में पानी चालू हो गया है और जो पास जितने भी गाँव है सभी में पानी की व्यवस्था कराने के लिए पूरा ऐसा मान लो कि तत्पर हूँ और लोगों के रोड और पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। बाकी अपना सब काम करते रहते हैं। बाकी इन दोनों पर मुद्दों में दम लगा के काम कर रहा हूँ। महिला शिक्षा और महिला आत्मरक्षा बढ़ाने के लिए किस प्रकार के आपको महिला जो है अपना मुद्दा बहुत बढ़िया है। इसमें क्या लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है सर, उन्होंने यानी कि लोगों को जागरूकता करनी है कि एक तो अपनी जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई लिखाएं, उनको नौकरी के लिए अपनी तैयारी कराएं। ऐसा नहीं कि 18 साल की करने के बाद शादी करने के लिए सोचे, नहीं, उनको पढ़ाई ऐसे कि तड़के वो कहीं हो जाए दूसरे घर तो ऐसा लगे कि अपनी बेटी सही कर गई है। नौकरी के लिए उनको तैयारी करवाएं। जैसे लड़कों को सम्मान देते हैं लड़कियों को उतना सम्मान मिलना चाहिए। चुनावी मुद्दों को लेकर आप आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? हमारे जिससे पंचायत के बड़े बड़े मुद्दे नहीं होते, लेकिन भाई आप जो भी पंचायत है जैसे बेसिक मुद्दे से बड़े बड़े जैसे रोटी पड़ा मकान मुद्दे नहीं होते। मेन मुद्दे होते जैसे कभी भी पंचायत में या कहीं पर भी जाएँ तो कई लोगों के जो डॉक्यूमेंट सेंड हो जाए, जैसे हमारे पानी के मुद्दे हैं, बिजली के कई जगह पॉइंट लगे हैं लेकिन पानी चालू नहीं है, और हमारे जो रोड कहीं बहुत सड़क खराब है तो रोडों का काम होना चाहिए, और जो भी सरकारी योजना जो पंचायत में आए चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे शौचालय से हो, कोई भी योजना हो चाहे फसल बीमा योजना हो कोई भी हो, उन सभी नागरिकों को इस चीज़ का फायदा मिले। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यहाँ पंचायत जो भी चुनाव जीत के आते हैं जो जनप्रतिनिधि देते हैं उन लोगों उनको इसका मौका दें, उन लोगों को सेवा वो करें।